हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए एमआई का 32 इंच टीवी है जिसका मॉडल नंबर L32M5AL है। यहाँ पर देखिए इसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे हम लाइट देंगे तो बस यहाँ पे लाइट जलेगा रेड, उसके बाद ऑन नहीं होता। तो चलिए आपको दिखाते हैं, चलिए एक बार पावर लगाते हैं। देखिए 220 वोल्ट दे दिया यहाँ पे, इसको और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बस रेड लाइट जल रहा, बस ऑन नहीं हो रहा हमारा टीवी, देख सकते हैं। तो चलिए आपको हम बारी बारी टेस्टिंग करते हैं कि हमारा कहाँ से फॉल्ट है। तो चलिए इसको खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलिए बस प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का इसका एमआई का बोर्ड है। चलिए इसको टेस्टिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए पहले किसी ने रिपेयर किया है, डायोड पे सोल्डर वोल्डर लगा रखा है, यहाँ पे भी है। तो चलिए आपको बारी बारी टेस्टिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा कहाँ पे फॉल्ट है। चलिए दोबारा से पावर देते हैं, यहाँ पे आपको एक बार और दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारा रेड लाइट जल रहा है, ध्यान से देखिए। तो चलिए एक बार टेस्टिंग करते हैं हमारा वोल्टेज क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इस बड़े कैपेसिटर को आपको चेक करना है, चेक करने के लिए आपको 600 वोल्ट डीसी पे रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं 600 वोल्ट डीसी पे है, एक बार इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 305 दिखा रहा है, दूसरा वाला 304.5 दिखा रहा है, ये सही है। उसके बाद आपको 200 वोल्ट डीसी पे रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है। सबसे पहले आपको 12 वोल्ट पे चेक करना है, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट का जो कनेक्टर है उस पर चेक करना है। चलो इसको चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत कम आ रहा है, कभी 3 वोल्ट कभी 10 वोल्ट कभी 11 वोल्ट आ रही है। पावर सप्लाई में फॉल्ट है, तो पावर सप्लाई में फॉल्ट है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर सप्लाई चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट 2 एम्पियर सप्लाई है, इसको इसमें लगाएंगे और पूरा कनेक्शन दिखाएंगे कि हमारा कैसे ऑन होगा। तब मात्र सिर्फ 12 वोल्ट 2 एम्पियर सप्लाई लगाएंगे, हमारा टीवी ओके परफेक्ट काम करेगा। तो वीडियो बने रहिए और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो पावर सप्लाई पे जो फ्यूज लगा हुआ है ये वाला, ये कहीं और बाईपास ना हो, इसको पहले निकालेंगे, उसके बाद यहाँ से अपना 12 वोल्ट 2 एम्पियर का सप्लाई देंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। उससे पहले हम बता दें कि जो भी वीडियो डालते हैं हम सही डालते हैं, फॉल्ट नहीं डालते हैं वीडियो। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 फ्यूज लगा हुआ था, मैंने यहाँ पे निकाल दिया, जिससे हमारा यहाँ से करंट कहीं और ना जाएगा, सिर्फ यहीं तक रहेगा। इस साइड देख सकते हैं जो फ्यूज लगा था, ये हमारा एसी है, यहाँ से यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया था, मैंने हटा दिया, बस यहीं तक करंट रहेगा। तो मैं आपको कनेक्शन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए तब सोल्डिंग करते हैं। ये देखिए हमारा एसी इनपुट है, यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं मैंने एसी इनपुट यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया। ये देखिए हमारा 12 वोल्ट है, ये हमारा 12 वोल्ट है, ये हमारा ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट कनेक्टर में हम सोल्डिंग कर देंगे। ये जो हमारा 12 वोल्ट है तो इसमें 12 वोल्ट कर देंगे, एक हमारा ग्राउंड कर देंगे। चलिए सोल्डिंग कर, चलिए 12 वोल्ट पे सोल्ड करते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम 12 वोल्ट पे सोल्डिंग कर देंगे। एक 12 वोल्ट कर देंगे, एक हमारा ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड आप कहीं भी दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह हमने ग्राउंड कर दिया। अब आपको एक बार पावर देते हैं, ऑन करके दिखाते हैं हमारा ऑन होता है कि नहीं।
चलिए सारा कनेक्टर लगा लिए, एक बार पावर देते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पावर दे दिया, हमारा टीवी ऑन हो गया। देखिए हमारा रेड लाइट नहीं आ रहा, हमारा टीवी ऑन हो गया लेकिन बैक लाइट नहीं जल रहा है। तो बैक लाइट जलने के लिए आपको एक और सोल्डिंग करना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पे कहाँ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा था कि हमारा टीवी ऑन हो रहा है यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद, लेकिन हमारा बैक लाइट नहीं जल रहा है। तो बैक लाइट जलाने के लिए यहाँ देखिए, जो प्लस हमारा 12 वोल्ट है वहां से उठा के ट्रायोड का प्लस भी दे दिया, देख सकते हैं हमने कुछ नहीं किया। तो चलिए एक बार आपको टीवी लगा के ऑन करते आपको दिखाते हैं। देखिए हम यहाँ से एक प्लग लगा दे 220 वोल्ट पे, लगा दिया हमारा, देखिए रेड लाइट आ गया, रेड लाइट आ रखा, इसको ऑन करते हैं। ये हमारा देखिए टीवी ऑन हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं लाइट वाइट आ रहा है। चलिए एक बार और दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए एमआई का लोगो भी आ रहा है, हमारा काम कर रहा परफेक्ट। तो एक बार आपको हम पूरा पैक करके सारा सेटअप दिखाते हैं कैसा हमारा वर्क करता है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, कनेक्शन हमारा सारा यही है जो 12 वोल्ट 2 एम्पीयर सप्लाई था हमारा, देख सकते हैं ऑन है टीवी। देखिए आपको इस साइड नज़र भी आ रहा होगा ऑन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि हमारा टीवी ऑन है, देख सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं जो वीडियो डालता हूँ सही डालता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए इसको सारा कुछ हम पैक करते हैं, उसके बाद आपको इसमें क्वालिटी दिखाते हैं कैसा आता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए तो टीवी को बंद कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए बंद कर लिया, अब इसको पैक करते हैं इस तरह। यहाँ पर देखिए पावर लगा दिया हमारा, लाइट आ गया हमारा, यहाँ पर लाइट आ रहा है, इसको ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा टीवी ऑन हो गया, हमारा यहाँ पे टीवी ऑन हो गया। अब इसमें हम कुछ पिक्चर चला के आपको दिखाते हैं हमारा कैसा क्वालिटी आता है। हमारा टीवी ऑन हो रहा, तो चलिए हम अपना यूएसबी चालू करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा क्वालिटी आता है।